दिल्ली में पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी किसी नाले में बदल चुकी है। अब दिल्ली को पानी के लिए हरियाणा पर निर्भर होना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुमानुल्लाह खान। दिल्ली पानी की समस्या से जूझ रही है। एक तिहाई दिल्ली की जनता प्यासी है और पानी की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। दिल्ली में पानी की कमी का ठीकरा दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार के सर फोड़ा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा से पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक रोज़ाना हरियाणा से यमुना नदी में 450 क्यूसेक पानी आना चाहिए, लेकिन फिलहाल 323 क्यूसेक पानी ही आ रहा है, यानी रोज़ाना का 120 क्यूसेक पानी कम आ रहा है। इस समय मैं यमुना के किनारे पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी पूरी तरह से काले रंग का नज़र आ रहा है। दुर्गंध भी यहाँ पर फैली है और साथ ही यमुना की अविरल धारा इस समय एक नहर की तरह नज़र आ रही है। ये पूरा जो सरकारों के बीच में झगड़ा है, इसकी वजह से दिल्ली की जनता प्यासी है। दिल्ली के एक तिहाई इलाके में पानी नहीं आ पा रहा है और पानी को लेकर झगड़े भी हो रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा से जो पानी मिल रहा है वो बेहद ज़्यादा प्रदूषित है, उसको साफ़ कर पाना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। जबकि हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार पानी को साफ़ करने की अपनी क्षमता को बढ़ाए। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई हल नहीं निकल जाता, तब तक दिल्ली की जनता को प्यासा ही रहना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।